हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग में हमने फीचर्स भी पढ़े थे और डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस भी हमने की थी। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के टोटल चार एलिमेंट्स हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही डायरेक्टिंग फंक्शन बनता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, इस तरह से डायरेक्टिंग में भी ये चार एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से डायरेक्टिंग बनता है। क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, गाइड करना, उनको एक तरह से इंस्पायर करना, और ये इन चारों चीज़ों से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो सुपरविजन में होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम देते हैं, हम उसे मोटिवेट करते हैं, उसे इंस्पायर करते हैं लीडरशिप में। तो ये चार एलिमेंट्स हैं मेन डायरेक्टिंग में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं डायरेक्टिंग में। तो उसमें से पहला एलिमेंट है सुपरविज़न। छोटा सा ही पॉइंट है, इतना सही है जितना आपको स्क्रीन पर फिलहाल अभी दिख रहा है आपको। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, या उनके काम को मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना कि वो अपने और हिसाब से कि काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये दो वर्ड्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है सुपरविज़न, सुपर एंड विज़न। सुपर का मीन्स मतलब होता है कि ऊपर, ओवर एंड अबव। विज़न मीन्स देखना। तो सुपरविज़न का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो सुपरविज़न का मतलब क्या हुआ कि किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी को देखना ऊपर से। तो सुपरविज़न का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम उन पर ऊपर से निगरानी रखते हैं कि वो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलती करते हैं तो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये काम आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इतना सही है आपका सुपरविज़न। यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट पूरा हो जाता है। फिर सेकेंड एलिमेंट है मोटिवेशन, जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है मोटिवेशन का। मोटिवेशन का मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है विल टू वर्क। मोटिवेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर से एक तरह से फीलिंग आना, इंस्पिरेशन आना कि हमें ये काम करना है अपनी बेस्ट कैपेसिटी या बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मतलब कि एक तरह से किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल, किसी एम्प्लॉय को एक तरह से अट्रैक्ट करना या इंस्पायर करना कि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सके। इट्स ए साइकोलॉजिकल टर्म विच कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, क्योंकि साइकोलॉजिकल है तो इसे हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको ये मोटिवेट करना ही करना है या ऐसा करना ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको मैं वैसे एक यूज़ शायद करना नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, तो इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज। ये नेचुरली होता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई किसी को ये नहीं बोल सकते या तुझे मोटिवेट होना ही होना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो चाहेगा, अगर उसे कोई ऐसी कोई नीड है तो उसी के लिए वो अपने आप ही मोटिवेट हो सकता है। मोटिवेशन कुछ बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से ही आता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका ये काम नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई ये काम मुझे करना है, इसके बाद ही मुझे कुछ मिलेगा, तो शायद आप ज़रूर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइकोलॉजिकल नीड टर्म होती है जो आपके अंदर से ही आपको मिलती है ऑटोमेटिकली, ना कि इंटेंशनली नहीं होती है कि भाई मुझे इस टाइम से मोटिवेटेड फील करना, तो आप ऐसे नहीं हो सकता, ये नेचुरली होता है। अब तीन टर्म्स हैं जो इंटरलेटेड टर्म्स हैं जिसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारी नीड है, जो हमारी इंटर स्टेट है, फीलिंग्स हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, जिसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोटिव। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को कोई कार चाहिए, किसी एम्प्लॉय को कोई जॉब चाहिए या सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि सैलरी का बढ़ जाना एनुअली, तो उससे क्या होता है कि उसकी एक नीड है, अपनी वांट है जो सेटिस्फाई करने के लिए उसे इनक्रेज करती है किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को, कि उसके लिए वो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखे, उसके अकॉर्डिंग अपना जो रूटीन है वो बनाए, जिससे कि उसका जो गोल है वो अचीव हो सके। मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस एज ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज मोटिव। मतलब कि जो मोटिव होता है किसी भी इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी इंसान में जो भी मोटिव होता है तो वो उसको आराम करने नहीं देता है जब तक कि उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता है। जैसे किसी का एग्जांपल है कि किसी का कोई गोल हो सकता है मोटिव टू अर्न मोर, ऐसे ज़्यादा कमाने का भी मोटिव होता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा कमाने के लिए अपनी बॉडी को भी ध्यान में नहीं रखता है कि वो खाना खा रहा है टाइम पे, नहीं खाना खा रहा है, तो वो भी उसे भूल जाता है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ मोटिव होता है जो सिर्फ उसे दिख रहा होता है और उसे ही मोटिवेटेड होता है। फिर सेकेंड है मोटिवेशन। ये आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटीज़। मतलब एक प्रोसेस है
जो किसी भी पर्सन को तरह से अट्रैक्ट करती है कि वो उसको पूरा करने के लिए अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट है मोटिवेटर। अब आपको लग रहा होगा मोटिवेटर वो होता है जो मोटिवेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेटर कोई इंसान नहीं है, मोटिव इंसान भी हो सकता है, जो भी जिस चीज़ के लिए भी इंसान को मोटिवेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं मोटिवेटर। मतलब कि मोटिवेटर क्या होता है कि इंसेंटिव और टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं पीपल्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें हम बोलते हैं मोटिवेटर्स। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, या कुछ और कोई जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारे इन सबको बोलते हैं मोटिवेटर्स। जो तरह से टेक्निक्स भी हैं, फैक्टर्स भी हैं जिसको यूज़ करके किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं मोटिवेटर्स के, बोनस है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, ये हैं कुछ बेसिक और कॉमन मोटिवेटर्स जिसके जिसकी हेल्प से ही कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉई को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर हम आगे छोटा सा एक टॉपिक और है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन का, 5 पॉइंट्स हैं उसमें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो पहले तो सुपरविज़न। सुपरविज़न में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखते हैं किसी भी अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर। मतलब कि सुपर मीन्स अबोव, विजन्स मीन्स सीइंग। तो सुपरविज़न मीन्स सीइंग एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर एंड द अबोव। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ पे, गतिविधियों पे ऊपर से हम नज़र रखते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सके, किसी की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे माइंड में। फिर हम आते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन का मतलब विल टू डू वर्क इन एन, मतलब कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, हम उसे इंड्यूस कर रहे हैं कि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें, हम उसे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब कि अलग अलग मोटिवेटर्स को यूज़ करके, उसके मोटिव को जान के, जिससे कि वो भी अपने पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव किया जा सके। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप तुझे मोटिवेटेड फील करना है या ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है, या तुझे ये लेना ही लेना है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो चीज़ उसके अंदर से उसको कुछ चाहिए तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड फील करेगा ऑटोमेटिकली। फिर 3 टर्म्स हैं, इंटररिलेटेड टर्म्स हैं। पहला है मोटिव, फिर मोटिवेशन एंड देन मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब होता है कि जो उसके अंदर की डिज़ायर है, जो उसकी नीड है या वांट है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो उसे खुद को इनकरेजमेंट मिलती है अंदर से कि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर क्रिएट करे, जिससे कि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सके, पर्सनल नीड वो सेटिस्फाई कर सके। जब कोई किसी के अंदर कोई मोटिव होता है तो उसमें रेस्टलेसनेस आ जाती है, मतलब कि आराम नहीं कर पाता है, जिससे कि वो उसके अचीव करने के लिए कुछ भी करता है। मतलब कि जैसे कि मोटिव टू अर्न मोर है, मोटिव टू कुछ भी हो सकता है, मोटिव टू गेट मोर मार्क्स भी हो सकता है, कुछ भी मोटिव हो सकता है। तो उसको जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके माइंड में कुछ रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी, भाई ये जब तक पूरा नहीं हो जाता उसे शायद कुछ और सोचेगा नहीं। फिर मोटिवेशन है प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटीज एंड देन मोटिवेटर्स। दीज आर इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इंक्रीमेंट है, बोनस है। ठीक है, फिर अगले हम 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक ही है ये, फीचर्स ऑफ प्रमोशन, कि प्रमोशन के फीचर्स क्या हैं, सॉरी मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं। पहला जैसे हमने को बताया कि ये साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मोटिवेशन एक तरह से इंटरनल फीलिंग है किसी भी पर्सन की, ये आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई तुझे मोटिवेटेड फील करना ही करना है, इसके लिए मोटिवेशन तुझे देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं जैसे कि आपको ऊपर एक एग्जांपल लेना चाह रहा था लेकिन शायद सही नहीं रहता, तो वो जो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो मैं अपनी दे सकता हूँ। जैसे आपने कई बार संदीप महेश्वरी की वीडियोस काफ़ी सारी सुनी होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस काफ़ी सारी सुनी होंगी, तो वो एक तरह से जो मुझे पर्सनल जो फीलिंग आती है वो मुझे लगता है कि वो एक तरह से फोर्सिबल चीज़ होती है, क्योंकि वो उसे फील करके नहीं बोल रहा होता है, तो मुझे वो चीज़ इतनी फील नहीं होती है। वैसे मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि शायद ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को, जिसने भी उसकी वीडियोज़ देखी हैं तो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मोटिवेशन जो चीज़ होती है वो मेनली अंदर से आती है, किसी के बाहर किसी के कहने की वजह से नहीं आती है। तो मेनली आप साइकोलॉजिकल टर्म है, अगर मान लो कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मोटिवेटेड अपने आप ही फील करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अभी आपको ऐसा करना है तो ऐसा मिलेगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको शायद मोटिवेटेड उतना फील ना हो। अगर हुआ भी तो भी शायद आपका 2 या 3 दिन में वो चीज़ पूरी हो जाएगी, शो ख़त्म हो जाएगा और आप ऐसे पुराने स्टेट में आ जाओगे। क्योंकि किसी भी आदत को बनने के लिए मैक्सिमम 21 दिन लगते हैं और मिनिमम 5 दिन लगते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म है, अगर आप किसी और की बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है वो
नेचुरली पुराने स्टेट में अपने आप ही वापस जल्दी आ जाएगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सुनते हो जो वो जो जो भी चीज़ वो बोल रहा है वो फील करके बोल रहा है, उसने उसके साथ उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हुआ है, तो पॉसिबली आपसे मोटिवेटेड फील कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो वो बोल रहा है ऐसा उसके साथ हो चुका है और उसके बाद भी वो ऐसा बोल रहा है कि इसका मतलब है कि वो ये एक्चुअल में मानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि भी ऐसा करना कैसा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि जो मोटिवेशन है साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इंटरनल फीलिंग है, जिससे किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता है। इंटरनल फीलिंग ही ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है कि वो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करें, जिससे कि उसका गोल जो है अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या होता है, जो उसकी पर्सनल नीड होती है, मोटिवेटेड पर्सन को कभी भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप ही ऐसा काम करता है जिससे कि वो उसकी पर्सनल नीड या जो वांट्स है या डिज़ायर्स है वो सेटिस्फाई हो सके। अगर वो पर्सन जो है मोटिवेटेड है तो वो अपना काम जो है पूरी एफिशिएंटली से करेगा टू गेट प्रमोशन। जैसे किसी का गोल है प्रमोशन लेना या कुछ भी किसी का मोटिव हो सकता है, तो वो अपने आप ही काम करेगा, उसका मोटिव और मोटिवेटर दोनों ही प्रमोशन है, तो वो ही अपने आप ही काम करेगा, उसके ऊपर किसी को नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है या कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको 90 या 95 या 97, 89% मार्क्स चाहिए, तो उस केस में उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास वो खुद ही से ही मोटिवेटेड है, तो उसके ऊपर हमें सुपरविज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गाइड करने की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करें कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही है कि वो मोटिवेटेड है पहले से। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपने आप ही हो जाता है मोटिवेशन से। फिर नेक्स्ट है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। मतलब कि जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव मोटिवेटर्स कौन से होते हैं, जो हम एक तरह से अचीव करने के लिए वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स। जैसे कि सैलरी में इंक्रीमेंट है, बोनस है, प्रमोशन है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स, कि ये पॉजिटिवली किसी भी ह्यूमन माइंड को, ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं। अगर एम्प्लॉई कोई है या कोई भी पर्सन ऐसा है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कोई एम्प्लॉई ऐसा है कि जो तभी भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता है पॉजिटिव मोटिवेटर्स की वजह से या हेल्प से, तो मैनेजर्स क्या करते हैं कि उसके लिए नेगेटिव मोटिवेटर्स भी यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव मोटिवेटर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई पेनल्टी है, पनिशमेंट है, कोई वार्निंग है, कोई डिमोशन है, या उसे इंक्रीमेंट रोकना होता है। डिमोशन का मतलब जैसे प्रमोशन होता है कि उसके ऊपर लेवल पर उसको जॉब पे रखना, डिमोशन का मतलब होता है कि उसकी जॉब से नीचे वाले लेवल पर उसको रखना। तो एक तरह से नेगेटिव मोटिवेटर्स है, एक तरह से उनके माइंड में फियर आ जाता है कि भाई डर आ जाता है कि भाई अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका डिमोशन भी हो सकता है या उसको जॉब से हटाया भी जा सकता है, ये भी होता है। तो उस डर से भी शायद हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो मोटिवेशन जो चीज़ है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन को समझना काफ़ी एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल होता है, क्योंकि एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को ज़रूरी होता है कि उसकी डिफरेंट ह्यूमन नीड्स को समझना, जो किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता है, ह्यूमन नीड्स को समझना, एक्यूरेटली समझना। अगर वो कोई मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट्स की ह्यूमन नीड्स जो हैं उसको करेक्टली अगर मेज़र कर लेता है, समझ जाता है, तो ही वो पर्सन जो है डिफरेंट अप्रोच यूज़ करके उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। कुछ लोगों को पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेशन मिलता है, कुछ को नेगेटिव से मिलता है, कुछ लोगों को मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेशन मिलता है, कुछ लोगों को नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मिलता है। अब मॉनेटरी इंसेंटिवस क्या होता है, जिनको जैसे कि सैलरी में इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना या बोनस मिलना, मॉनेटरी इंसेंटिव वो होते हैं जिसमें पैसे का लेना देना होता है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या होता है, जैसे किसी को घर मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, या कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, या कोई इंश्योरेंस मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। इसमें कैश नहीं होता है, पैसा नहीं होता, मनी नहीं होती है, लेकिन इसमें मनी से इंटर रिलेटेड एक कोई चीज़ होती है जो आपको मिलती है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन खर्चा नहीं कर सकते हैं, ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को। लास्ट पॉइंट है डायनेमिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोटिवेशन है उसको समझना थोड़ा इतना इजी नहीं है कि आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, तो मोटिवेट करने के लिए आपको उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट पहले जाननी पड़ेगी, तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे कुछ चाहिए, कि मुझे मान लो कुछ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे भाई तुझे बाइक मिलेगी तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा,
क्योंकि मेरी नीड अगर समझे बिना कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा है, मैं मोटिवेटेड फील नहीं करूँगा उसकी वजह से। फिर लास्ट पॉइंट है डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन जो होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन नीड्स हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं। क्योंकि जब आप 5 साल के थे आपकी नीड्स कुछ और थी, फिर जब आप 10 साल के हुए नीड्स कुछ और थी, फिर 12 साल के, 15 साल के, फिर आज 16-17 साल के हो चुके हो आप, तो उस केस में आपकी नीड्स बदलती रही हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे, आपको यही चीज़ चाहिए और रोज़ यही चाहिए, तो वो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो मैनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो मोटिवेशन का फंक्शन है उन्हें कंटिन्यूसली परफॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार किसी को मोटिवेट कर दिया तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी को मोटिवेट किया आज की डेट में, तो हो सकता है कि वो 1 महीने के बाद में फिर से उसे मोटिवेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने मोटिवेट किया और पूरी लाइफ चल गया, क्योंकि मोटिवेशन एक तरह से चाबी होती है। किसी में आप चाबी लगाते हो तो वो खिलौना जो है चलता है, लेकिन हर खिलौने को बार बार चाबी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसलिए एग्जांपल मैंने दिया है कि मोटिवेशन कैसे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। एक बारी आपकी मोटिवेशन से कोई भी एम्प्लॉई जो है अपना बेस्ट कैपेबिलिटी दे तो देगा, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, ये था आज का टॉपिक आपका, जिसने उन्हें पढ़ा कि सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स एंड देन फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू।